Dear students of 9th class, today we will discuss one of the basic concept of the same chapter, lines and angles. The concept is here linear pair angles. इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे और डेफिनेशन देने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक वी हैव अ प्लेन एंड वी हैव then infinite lines in the same plane and if we have a plane we have infinite rays in the same plane. First we will discuss if we have a line and a ray in the same plane, what happens or what is the relation exists between a ray and a line. इसी तरह हम अगर आपके पास इनफाइनाइट रेज एंड इनफाइनाइट लाइट होंगी वहां पे भी आप रिलेशन देख सकते हैं. उसके लिए हम फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड रे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन होगा और हम क्या सीख सकते हैं अगर हमारे पास एक लाइन और एक रे होगा. टेकिंग दिस एज ए लाइन, यहाँ पे हम एक लाइन ले रहे हैं. दिस व्हाइट बोर्ड एज ए प्लेन एंड वी हैव ए रे, fixed ray, we have infinite ray but we take a fixed one, a particular one. यहां पे अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रे इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन कर रही है या तो वो रे इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे इस तरह रे है, ये इसका एक वर्टेक्स है जहां से रे ऑरिजिनेट होता है, यहां पे जो ये रे इसका इंटरसेक्शन लाइन के साथ नहीं है, तब जाके हम आगे नहीं बढ़ सकते. अब अगर हमारे पास एक रे होगा, जस्ट सी दिस, इस तरह ये आपके पास रे है, ये भी हम ले सकते हैं. या अगर हमारे पास यहां लाइन पे ये पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द रे, इसी को लेके हम आगे जाएंगे. जो हम यहां पे सीख सकते हैं वही यहां पे भी हम सीख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब जब हमारे पास ये सिचुएशन होगा कि इफ वी हैव अ लाइन एंड वी हैव अ रे वी स्टैंड ऑन एट अ पॉइंट ऑफ द लाइन, गिवन लाइन एट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट हम उस लाइन का चूज कर रहे हैं, उसी फिक्स्ड पॉइंट पे हम एक रे स्टैंड कर रहे हैं. उस रे के स्टैंड करने से हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल वन एंगल टू. दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल, इन्हीं दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं. डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस, इफ वी हैव अ लाइन डेफिनेशन एंड अ रे वी स्टैंड एट अ पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, देन द टू एंगल्स फॉर्मड बाय द रे given line are called linear pair angles. Definition: given a line, say L, and a ray stands at a point, say O, on the given line, on the given line, then the pair of angles bracket between angle one angle two are called, inhi ko hum bolte hain, are called a linear pair angles. LP angles. Dear student, ये हमारे पास definition of linear pair angles आ गया. अब यहाँ पे important चीज़ है, अगर हम यहाँ पे एक और line लेंगे, इस तरह हम ये ray stand कर लेंगे, these are also linear pair angles, that is angle one angle two. इसी तरह अगर हमारे पास ये line होगा, a ray stands here just as this. Angle one, angle two, these are also linear pair angles. And the sum of, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, इनका sum always 180 होता है, supplementary होता है. Remember this, it is an important action.
एक्शन मीन्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, या वी कैन वी मे से इट इज अ नेचुरल ट्रूथ. रिमेंबर डियर स्टूडेंट, दिस एक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के लिए, इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट. अब एक्शन क्या है हमारे पास, इफ वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180. द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180, या हम कह सकते हैं सप्लीमेंट से इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे हमारे पास ये हमने लाइन एंड रे लिया था. अगर हमारे पास इस तरह होगा, सी इफ यू हैव टू लाइन्स इन द सेम प्लेन, डियर स्टूडेंट्स टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो दो लाइन्स इंटरसेक्ट आपस में कर रही होंगी या तो नहीं कर रही होंगी. अब जबकि वो नहीं कर रही होंगी, उस केस को हम यहीं पे छोड़ देते हैं. हम उस वाले केस को आगे ले जाएंगे जहां पे दो लाइन्स इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट सी ईच अदर. से टेकिंग दिस एज लाइन एम, दिस एज लाइन एम. मान ले ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ओ. यहां पे इसका नाम आप ए रख लीजिए, यहां पे हम बी रख लेंगे, यहां पे हम सी रख लेंगे, यहां पे हम डी रख लेंगे. सी दिस फिगर. अगर हम कंसिडर कर लेंगे एम इज लाइन, ये जो ओ ए है इट इज क्लियरली अ रे विच इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ओ ऑन द लाइन एम. जब ऐसा हम कर लेंगे तब जाके हमारे पास ये एंगल वन और एंगल टू, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. इसी तरह अगर हम कंसिडर कर लेंगे एल इज द लाइन एंड ओ बी इज ए रे स्टैंडिंग ऑन लाइन, देन एंगल टू एंड एंगल थ्री इज ऑल्सो लीनियर पेयर एंगल. इसी तरह अगर हम मान ले एम इज द लाइन, ओ सी इज ए रे स्टैंडिंग एट द लाइन, देन दिस एंगल वन एंड एंगल फोर आर आल्सो लीनियर पेयर एंगल्स. इसी तरह एल इज द लाइन एंड ओ डी इज रे, देन एंगल वन एंगल फोर आर लीनियर पेयर एंगल्स. यहां पे इस यहां से हमें क्या मिलता है, इफ वी हैव ए two straight lines in the same plane and they intersect each other, then we get a four pairs of linear pair angles, and sum of all four linear pair angles is 180. Separately, if we take this pair of linear pair angles, sum is 180. If we take this pair of linear pair angles, sum is 180. इसी तरह अगर इनका लेंगे यहां पे 180 होगा. And the angle, whole angle, this angle is called complete angle. Complete angle ka sum 360 hota hai. Remember this point. Easy. Complete angle. Ka measure hota hai 360. Remember this point. That is, jo angles form ho rahe yahan pe by the intersection of two straight lines, we get four angles. The sum of these four angles is 360 and this angle is called complete angle. And just call it angle. अब यहां पे हमारे पास four pairs of linear pair angles आ गए, वो हम यहां पे लिखने वाले हैं. If note L and M be two lines in a plane intersect each other at point O, then
कामा एंगल टू, एंगल टू कामा एंगल थ्री, एंगल थ्री कामा एंगल फोर एंड एंगल फोर कामा एंगल वन और पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर, पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल एलपी एंगल्स एंड द सम ऑफ दिस लीनियर पेयर एंगल इज सप्लीमेंट्री। इसी तरह यहां पे भी इनका सप्लीमेंट्री होगा सम, इसी तरह इनका। इस तरह ये बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज यहां पे अभी हमने देखा एंगल वन एंड एंगल टू इनके दरमियान रिलेशन है, दिस आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। इसी तरह टू फोर के टू थ्री के दरमियान, थ्री फोर के दरमियान। अब यहां पे एक और मसला है, ये जो वन है थ्री क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है? इसी तरह टू एंड फोर इनके दरमियान कोई रिलेशन? इफ वी कंसिडर दिस एंगल वन एंड एंगल थ्री, एंगल टू एंड एंगल फोर, दीज टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन इफ एल एंड एम आर टू lines in a plane intersect each other at point O, then pairs of angles angle 1, angle 3 and angle 2 are called vertically opposite angles, opposite angles. Dear student, ये भी important basic concept है for the chapter lines and angles. And this vertically opposite angles are equal, ये हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे आप एंगल वन थ्री ले या टू फोर, ये तो ऑलवेज इक्वल होंगे। एंड इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी प्रूव द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्मड बाय गिवन टू लाइंस आर इक्वल। नाउ इस वीडियो को एग्जाम करने से पहले डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।